अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अमनत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक लर्निंग स्कूल। इस साल हमारी एक थीम थी जिसका नाम था इनोवेशन इन एजुकेशन। इसमें हमने हमारे स्कूल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ का इनेकाद किए थे और हमारी इस साल क्लोजिंग एक्टिविटी थी द यंग एंटरप्रेनर। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को बताती है कि बिजनेस कैसे किया जाए। आम तौर पे हम जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आप फ्यूचर में क्या बनोगे, तो बच्चों का एक ही सवाल होता है डॉक्टर या इंजीनियर, और कुछ बच्चे टीचर्स इस बारे में बताते हैं। लेकिन हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप करके बच्चों को बताया है कि बेटा बिजनेस भी एक ऐसी चीज़ है जो अगर हलाल तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर किया जाए, बिजनेस को समझा जाए, बिजनेस के जो मॉडल्स है वो मॉडल को समझा जाए। देखिए, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है द शार्क टैंक ऑफ इंडिया, शार्क टैंक ऑफ इंडिया। इसमें बताया जाता है कि लोग किस तरह से क्रिएटिविटी करके और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के बिजनेस करके लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में एक एक्टिविटी आई थी जिसका नाम हमने रखे थे द यंग एंटरप्रेनर। इसमें बच्चों को कारोबार के मुतालिक जो टेक्निकल चीज़ें वो सिखाई गई थी, बच्चों को बताया गया था कि एक कंपनी कैसे बिल्ड होती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं जो बहुत अहम ओहदे पर होना चाहिए, जैसा कंपनी का एक CEO होता है, अकाउंटेंट होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद में उसके सेलिंग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट होता है। ये सारी चीज़ों बच्चों को समझा कर इसका सिलेबस से किस तरह का ताल्लुक है। स्पेशली रियाजी में हमारे पास जो सबक है, एक शुमारियात है, स्टेटिक्स है, और दूसरा आता है कारोबारी रियाजी। ये दोनों बड़े यूनिट है और इस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी है जो बच्चों को हमेशा इस्तेमाल में आ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को शुमारियात के जो टॉपिक थे, जैसा औसत था, मीन था, मोड था, मीन था, इसके ताल्लुक से बताया बच्चों को, और इसका एक रॉ मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया था तैयार करके। उसी तरीके से तरसीम का एक पार्ट है, ग्राफिंग कैसे करना है बच्चों को, अलग अलग तरह की ग्राफिंग आती है, इसी ग्राफिंग को हमने इस एक्टिविटी से जोड़ दिए। उसके बाद में नफ़ा नुकसान, उसके बाद में फीसद आ गया, और उसके बाद में हमने बच्चों को बताया कि बैंक से किस तरह का लेन देन होता है, सूद वगैरह का जो कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है वो समझाया बच्चों को, और उसके अलावा बच्चों को हमने सारा मटेरियल तैयार करके दिए कागज़ के ऊपर, और सब बच्चों को बताया कि ये हमको जब हमारी एक्टिविटी पूरी हो जाएंगी तो आपको ये डेटा तैयार करना है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, जो भी आपने वो किए हैं, इसमें काम किए हैं। तो ये एक्टिविटी की जो मैं एक शॉर्ट में हमने जो इसको बनाए थे ब्लूप्रिंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद में हम बताएंगे कि हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसा किए। इसका ब्लूप्रिंट ऐसा था कि हमने बच्चों के अलग अलग बच्चों को तैयार किए पहले इसके लिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड थे उनके ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप में 5 से 7 बच्चे थे, इस तरीके से 5 ग्रुप हमारे पास में बच्चों के बने थे। ये 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे थे, और इन पर हमने किया कि हर एक बच्चे को बोले कि हम इन्वेस्ट करेंगे आप पर, यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो हमने बच्चों को हर एक ग्रुप को, जो सीईओ था उसको हमने 500 रुपये ऐसा उनको इन्वेस्ट किए, और उसमें कुछ कंडीशन लगाए थे कि आपका पैसा इसमें नहीं लगाएंगे, उसके बाद में आपको इसमें कौन कौन से कारोबार स्कूल के अहाते में करना है, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटी थी, हम इसे बाहर नहीं कर सकते थे। तो बच्चों ने अलग अलग अपने आइडियाज़ पेश किए, हमने कुछ आइडियाज़ उसे मिक्स किए, और सारे आइडियाज़ एक करके हमने क्या किया, वो सब आइडियाज़ को डिवाइड कर दिए अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे बच्चों ने कुछ स्टॉल्स लगाए थे, कुछ ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के स्टॉल लगाए थे, कुछ प्लेइंग के गेम्स के स्टॉल लगाए थे, इस तरह के स्टॉल लगा के बच्चों ने इसमें प्रॉफिट जनरेट किए, और तकरीबन 2500 रुपये हमने बच्चों पर इन्वेस्ट किए थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस पर 200% बच्चों ने प्रॉफिट जनरेट किए, वो भी प्योरली हलाल तरीके से। इसमें हलाल तरीके के मीन्स किसी तरह का झूठ इसमें मिक्स नहीं करना था, किसी तरीके से बच्चों को कोई धोखाधड़ी नहीं करने की थी, कोई ऐसा काम नहीं करने का था जिससे आपका जो भी रिस्क आने वाला है वो रिस्क हराम हो जाए। तो बच्चों को ये भी कंसेप्ट दिया गया कि अगर मुस्तकबिल में आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हमें हलाल करना है, उसमें किसी तरह का झूठ नहीं मिक्स करना है, कोई चीज़ इस तरह की फरोख्त नहीं करनी है कि आप झूठ बोल के उसे बेचा जाए, या ख़राब चीज़ को अच्छी बना के पेश किया जाए, या आपके पास जो क्वालिटी नहीं है वो क्वालिटी बताई जाए। तो बच्चों ने ये एक प्रैक्टिकली तौर पे किए। मैं इसके बाद में वो सारे वीडियो अटैच करूँगा। वो अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड इस एक्टिविटी को पूरा किए, और मैं एकदम गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि मुस्तकबिल में ये बच्चे अगर बिजनेस में उतरेंगे तो ये जो आइडियाज़ थे, ये जो एक्टिविटी थी, ये डेफिनेटली इंशाल्लाह उनके लिए कारामद होंगी, और वो बच्चे अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चों को ये भी बताया गया था कि आप में कंपटीशन भी है। कंपटीशन किस तरीके था कि जब सबका प्रॉफिट जमा हो जाएगा
तो ये प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में। ये रेशो रखे थे हमने, ओवरऑल प्रॉफिट का 50% फर्स्ट रैंक को, 30% सेकंड रैंक को और 20% थर्ड रैंक को। लेकिन बाद में हमें ऐसा एहसास हुआ कि जो फोर्थ और फिफ्थ रैंक के बच्चे हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किए थे, अच्छी तरीके से ये सारा बिजनेस मॉडल उन्होंने सेट किए थे, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग में थोड़ा सा कम करते करते उन बच्चों को भी प्रॉफिट हमने दिए। इन सभी बच्चों को इसमें खुशी महसूस हुई कि उन्होंने एक अच्छे से बिजनेस किए। हालांकि इस तरह की एक्टिविटी बाकी स्कूलों में की जाती है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज किस तरह की जाए, ये हमने मॉडल बच्चों के सामने और सभी के सामने हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों ने किस तरीके से एक्टिविटी किए, किस तरीके से तैयारियां किए। ये सारी इमेजेस और उनके सारे शॉर्ट क्लिप्स मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे। आमतौर पर ये एक्टिविटी जो अमेरिका यानी यूएसए में की जाती है, वहाँ पे कोर्सेज चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, लेकिन हमारे पास में इस तरह का कोई सेटअप नहीं है। और स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ये एक नई चीज़ थी और एक नया प्रोग्राम था, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने किए, और वो प्रॉफिट देख के मुझे भी इतनी खुशी हुई कि अगर बच्चों को बताया जाए अच्छे प्लानिंग करके अच्छे तरीके से, और जो हमारा सिलेबस का उसमें टचअप है वो देकर अगर किया जाए, तो यकीनन हमारे बच्चे मुस्तकबिल में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं बिजनेस को लेकर। बिजनेस ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों को मुस्तकबिल में काफ़ी सारी तरक्की फराहम कर सकती है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। कंपनी का नाम स्काई ट्रेडर्स है और इस कंपनी की मैं सीईओ हूँ। हमें 500 रुपए दिए गए थे, जिसमें हमने फूड में रगड़ा पूरी का स्टॉल लगाए थे और गेम में गेम ग्लास पिरामिड का स्टॉल लगाए थे, जिसमें हमें 975 रुपए नफा हुआ। और हमें हमारे सिलेबस के रियाजी के इसमें 8 टॉपिक है जिसको हमने मुकम्मल किए, और हमारे हमें इस दो यंग एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हंजला हमजा खान है। कल हमारे स्कूल में यंग एंटरप्रेन्योर बोल के एक प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में एक हमारा ग्रुप था जिसका नाम मून लाइट ट्रेडर्स है। इस ग्रुप का मैं सीईओ हूँ। हमारे ग्रुप के इन्वेस्टर अमजद सर है, जिन्होंने हमें 500 रुपये स्टॉल लगाने के लिए दिए। इस 500 रुपये में हमने 3 स्टॉल लगाए, जिसमें से एक स्टॉल पानीपुरी और दूसरी वर्चुअल रियलिटी और तीसरी रिंग थ्रो की थी। ये इन तीनों स्टॉल से हमने 1015 रुपया प्रॉफिट, इस स्टॉल से हमें 1015 रुपया प्रॉफिट हुआ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी टीम का नाम गैलेक्सी ट्रेडर्स है और मैं इस टीम की सीईओ हूँ। हमें 500 रुपए दिए गए थे, जिससे हमने फूड में कच्ची ढाबी का स्टॉल लगाए और गेम में खुर्जा सिमसिम का स्टॉल लगाए थे। हमें 1490 रुपए नफा हुआ। हमें एक फाइल दी गई थी जिसमें हमारे 8 सिलेबस मौजूद है और मुझे खुशी है कि मेरे टीम के मेंबर्स ने अपने काम को अच्छी तरह से निभाया और हमें एक्टिविटी करते हुए बहुत खुशी हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारिया अब्दुल रज़ाक खान है और मैं स्टार कंपनी की सीईओ हूँ। हमें सर ने 500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए थे, जिससे हमने खाने के स्टॉल और पीने के स्टॉल लगाए थे। इनसे हम बिजनेस कैसे करते और रियाजी के टॉपिक्स को सीखा और हमने वो आपा के पास सबमिट करवाए और हमें इससे 937 रुपये मुनाफा हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरीद महमूद चौधरी है और हमारी कंपनी का नाम सनलाइट ट्रेडर्स है, और हमारे सर ने हमको 500 रुपये दिए, जिससे हमने 3 स्टॉल खोले, नूडल्स का, पास्ते का और एक गेम्स का। तो उन सब से हमें रियाजी सीखना मिला और हमने एक फाइल बनाई। तो ये सब हमने आपा के पास जमा किया, जिससे हमें 550 रुपये का फायदा हुआ।
दया।